और आज के वीडियो में बिल्ड करने वाला एक वुड फार्म, वो भी एक जायंट से ट्री के अंदर। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कैसा ट्री होने वाला है वो। एक और चीज देखो, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो हमारा वुड फार्म कुछ इस तरह से दिखने वाला है पूरे ट्री के अंदर। देखो ये पूरा ट्री का स्टैच्यू है और इसके अंदर हमारा वुड फार्म होने वाला। और देखो मैं ये वुड फार्म नहीं बनाने वाला हूँ, उसकी जगह मैं दूसरा बनाने वाला हूँ। क्योंकि देखो ये मैंने क्या बोल दो, दूसरे वर्ल्ड में ट्राई किया तो मेरा वर्ल्ड पूरा खत्म ही हो जा रहा था इसकी वजह से, इतना पावरफुल है वुड फार्म। इसलिए मैंने सोचा देखो मैं क्या बोलता हूँ, ट्री का स्ट्रक्चर तो मैं यही रखने वाला हूँ और इसके अंदर वुड फार्म हम दूसरा बनाने वाले, जो हम क्या बोलता हूँ अच्छी तरह से काम करें हमारे वर्ल्ड में। क्योंकि आपको पता ही है मेरा पीसी क्या बोलता हूँ घटिया सा है, उसमें कुछ भी अभी नहीं चल रहा है, इसमें अभी ये वाला वर्ल्ड भी अच्छी तरह से। और देखो इसको मैंने क्या बोलता सुपर फ्लैट वर्ल्ड में किया था ट्राई, वहीं पर मेरा गेम खत्म हो चुका था। वन आपको पता ही होगा सुपर फ्लैट वर्ल्ड में हमको काफ़ी अच्छे FPS मिलते हैं। और देखो इस ट्री को बनाने में मुझे 30,000 से भी ज़्यादा ब्लॉक लगेगा, जो हमने आयरन गोलम का स्टैचू जो बनाया था ना उससे डबल ब्लॉक इस मॉम को लगेगा। और उसके बाद हमें ट्री फार्म जो बनाना उसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा क्या बोलते ब्लॉक लगेंगे। ओके सभी मैं सबसे पहले ट्री को बना लेता हूँ, उसके बाद बीच में हम क्या बोलते वुड फार्म बनाएंगे। और देखो मैं जो वुड फार्म बना रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, पूरा घटिया सा अच्छा ही काम करेगा वो वुड फार्म। और देखो इस वीडियो का आइडिया मैंने क्या बोलते सर्कल क्राफ्ट से लिया है, इसके लिए आपको उसके वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसने भी क्या बोलते सेम ट्री बनाया था। ओके सभी मैं ट्री का स्टेच्यू बनाने के सबसे पहले सारी तैयारी करता हूँ। और देखो हमको ट्री बनाने के लिए हमको इतने ज्यादा ब्लॉक चाहिए, और देखो ये सारी चीजें हैं ना रेस्टोन की, हमको क्या बोलते वुड फार्म बनाने के लिए चाहिए, और इसलिए हमको देखो इतने ज्यादा ब्लॉक तो हमको नहीं लगेगा। और आपको देखो स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, हमको इतने ही ब्लॉक लगेगा। और इसमें हमको देखो लाइम कॉन्क्रीट हमको क्या बोलते हैं 10,000 जितने चाहिए, और देखो ब्लैक कॉन्क्रीट भी हमको 10,000 जितने चाहिए। और देखो ये सारे कॉन्क्रीट को मैं क्या बोलते सेंड ड्यूपर से ही मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैन्युअली माइन करने चाहूंगा तो मेरा क्या बोलते काफी दिन निकल जाएंगे इसमें ही। ओके सभी सबसे पहले मैं तीनों टेराकोटा को कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। तब तक टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गए सभी, मैंने सारे कॉन्क्रीट पाउडर को कलेक्ट कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सर्कल बॉक्स फुल हो चुके हैं, हमको इतना ज्यादा कंक्रीट इसमें चाहिए। अभी मुझे क्या बोलते हैं इस कंक्रीट पाउडर को पूरे कंक्रीट में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, और जिसके लिए अभी देखो मैं एक छोटा सा एक फार्म बनाने वाला हूँ, इसमें हम क्या बोलते हैं कंक्रीट पाउडर को कंक्रीट में कन्वर्ट कर सके। ओके सभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस अभी मैंने सारे कंक्रीट कलेक्ट कर लिए हैं, और देखो इतना कंक्रीट पाउडर यहाँ पे हमारे पास बच भी चुका है, क्योंकि देखो मैंने गलती से एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया कंक्रीट को, इतने ज्यादा हमको नहीं चाहिए थे, हमको बस इतने ही कंक्रीट पाउडर चाहिए थे। देखो ये लाइम कंक्रीट हो चुका है, इतना ही हमको चाहिए, और देखो ब्लैक कंक्रीट भी हमको इतना ही चाहिए, और ग्रीन कंक्रीट भी हमको इतना ही चाहिए। ओके सभी हमको चाहिए काफी ज्यादा स्प्रूस के लॉग, और उसके बाद हमको स्ट्रिप लॉग भी चाहिए स्प्रूस के। ओके उसको भी सबसे पहले जल्दी से कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। ओके आप तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस सारी तैयारी हो चुकी है ट्री बनाने की, और आप यहाँ पे देख सकते हो देखो हमको इतनी सारी चीजें चाहिए इसमें। और अभी देखो मैंने इसमें ब्राउन और ब्लैक टेराकोटा भी मैंने कलेक्ट कर लिया था बेडलैंड बायोम से, और अभी हमारा ट्री देखो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, आई होप कभी लैग ना हो रहा हो। ओके सभी मैं सबसे पहले ट्री का स्टैचू यहाँ पे बना लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस ट्री रेडी हो चुका है यहाँ पे, और देखो एग्जैक्ट सेम लग रहा है दोनों ट्री, देखो रियल वाला और देखो एक हमने बनाया वो वाला, तो जरा भी फर्क नहीं दिख रहा है मुझे तो भी इसमें और इसमें। और देखो इस ट्री का पूरा क्या बोलते क्रेडिट जाता है सर्कल क्राफ्ट को, और देखो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। और देखो आने जाने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करने वाले है,
और देखो हमारे वुड फार्म की कुछ इस तरह से डिजाइन होने वाली है। तो क्या बोलते हैं, काफ़ी छोटा वुड फार्म है लेकिन देखो काफ़ी अच्छी तरह से काम भी करता है। वरना देखो इसमें जो वुड फार्म था ना वो मैं बनाता तो मेरा गेम भी काफ़ी लैग करता, इसलिए अभी मैं ये वाला ही बनाने वाला हूँ। और देखो इस वुड फार्म बनाने की भी मैंने यहाँ पे सारी तैयारी कर रखी है और हमको देखो ये सारी चीज़ें चाहिए वुड फार्म बनाने के लिए। ओके सभी मैं यहाँ पे वुड फार्म बनाता हूँ, तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस हमारा वुड फार्म रेडी हो चुका है और देखो काम भी कर रहा है। और यहाँ पे देखो मैंने कलेक्शन सिस्टम भी बनाया है, रुको आपको नीचे जाके ही दिखा देता हूँ एक बार। और देखो यहाँ पे मैंने ग्लास भी लगाए हुए है क्योंकि देखो वहाँ से वुड आता था तो यहाँ तक गिरता था वुड, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे ग्लास लगा दिया। और देखो फार्म काम भी कर रहा है, मैंने टेस्ट भी कर रखा है यहाँ पे। और देखो इस फार्म में क्या बोलते डार्क ऑक ट्री और अकेशिया ट्री दोनों काम नहीं करेगा क्योंकि देखो डार्क ऑक ट्री के लिए हमको चार सैपलिंग चाहिए और इसमें तो हम एक ही सैपलिंग यहाँ पे लगा सकते हैं। और अकेशिया ट्री आपको पता ही होगा कैसे ग्रो करता है, आडा टेढ़ा पूरी तरह से। और देखो इसलिए इसमें अकेशिया ट्री नहीं चलेगा और बाकी के सारे ट्री इसमें चलेंगे, जैसे स्प्रूस हो चुका है, ओक वाला, ओ भाई सब कहाँ चला गया मैं यहाँ पे। ओके अभी देखो मैं इस फार्म को एक घंटे टेस्ट करने वाला हूँ और एक घंटे में कितने वुड देता है। ओके अभी आप तब तक टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस एक घंटा एफ के मैंने कर लिया यहाँ पे और इसे हमको देखो इतने ज़्यादा वुड हमको मिल चुके हैं। और देखो ये फार्म भी काफ़ी अच्छा ही है, 12,000 वुड हमको एक घंटे में दे देता है। देखो मेरे पास जितना भी बोन मिलता था वो मैंने सारा यहाँ पे लगा दिया हमारे स्केलेटन रेड फार्म से लेके। ओके आज के वीडियो में बस इतने, आपको वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।